इंडिया जिंदाबाद, नौसेना ने बचाई जान तो समंदर में नारे लगाने लगे पाकिस्तानी मछुआरे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। समंदर में भारतीय नौसेना डाकुओं के लिए काल बनी हुई है। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को समुद्री डाकुओं के कब्जे से छुड़ाया और 23 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को भी सुरक्षित निकाल लिया। नौसेना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अलकंबर 786 जहाज का पाकिस्तानी चालक दल इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। इन डाकुओं ने ही जहाज को हाईजैक कर लिया था। मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 के मुताबिक भारत समुद्री डाकुओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा। नौसेना ने कहा कि उसे एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज अलकमर 786 को हाईजैक करने की सूचना मिली थी। ये जहाज 28 मार्च को यमन में सोकोत्रा से 90 नॉटिकल माइल की दूरी पर था। नौसेना के मुताबिक दो जहाजों को अरब सागर में तैनात किया गया था। इन जहाजों ने हाईजैक किए गए जहाज को रोका। INS सुविधा और INS त्रिशूल इस काम में लगाए गए थे। नौसेना ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद समुद्री डाकुओं को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस पर सवार 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका मेडिकल कराया गया और फिर उन्हें जाने दिया गया। आपको बता दें कि नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने पहले भी कहा था कि सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध है। हाल ही में सोमालिया के तट पर भी समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया था। इन्हें लेकर INS कोलकाता भारत पहुंच चुका है। समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अरब सागर में अदन खाड़ी में मालवाहक पोतों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने अपने पोत तैनात किए हैं। इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमाली में सोमालियों को निकाल दिया। जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमाली में सोमालियों को निकाल दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।